हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में जब से बिग विवियन टाइम गॉड बने हैं तब से तो पटाखे पे पटाखे बजे जा रहे हैं बिग बॉस के घर में। मतलब कि मजा ही आ गया है बिल्कुल। पहले जैसे शांत पड़ा हुआ था सो, उसे जैसे ही विवियन टाइम गॉड बने पूरा बवाल हो गया, बवंडर हो गया। मतलब कि बिग बॉस के घर में ऐसा देख लग रहा है कि पहले तो इनकी फाइट हुई दिग्विजय और ये जो अविनाश है, इनकी फाइट हुई। अब ये जो विवियन है, इनका जो हमेशा कॉफी पीते रहते हैं, इनका एक पर्सनल जो मशीन है कॉफी बनाने वाला जो भी, वो किसी ने छुपा दिया है। और पूछने पे पता चला कि ये चाहत का काम है, चाहत ने उनका पर्सनल मशीन छुपा दिया है कॉफी वाला, जिससे वो ढूंढ रहे हैं कि मेरा पर्सनल वो जो था मशीन वो कहाँ गया। तो चाहत ने कहा कि मेरे पास है, तो तुमने क्यों छुपाया, वो मेरा पर्सनल है। तो चाहत ने बोला कि तुमने भी तो चाय छुपाई है ना, चाय पत्ती दो फिर अपना कॉफी मशीन ले जाओ, तुमने पूरा पैकेट छुपा लिया चाय पत्ती का, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो जब तुम नहीं दोगे तो मैं भी नहीं दूंगी, पहले दो चाय फिर अपनी कॉफी मशीन लो। तो विवियन का कहना है कि वो मेरा पर्सनल था, वो तुमने क्यों छुपाया। तो भाई पर्सनल तो कुछ भी नहीं होता बिग बॉस के घर में, तुम छुपाओगे तो सामने वाले भी तो करेंगे ही। ये क्या बात हुआ कि तुम पूरे दिन कॉफी पीते रहोगे और सामने वाले चाय भी नहीं पियेंगे सुबह से एक टाइम, ये तो गलत बात है ना। कल विवियन ने ही छुपाया था वो चाय वाला पैकेट, चाय पत्ती वाला पैकेट। तो वो जो चाहा था उसका यही कहना है कि पहले दो चाय फिर मैं तुम्हारी कॉफी मशीन दूंगी। तो इस पे काफी ज्यादा बवंडर हो गया है, जिसपे विवियन कहते हुए दिखे कि अगर मेरी कॉफी मशीन नहीं मिली ना तो मैं बिग बॉस से बोलूंगा भी नहीं चाय देने के लिए। मतलब ये तो गजब वाली धमकी हो गई। बिग बॉस से क्या बोलना है, तुम्हारे पास ही है, अगर तुम्हें जरूरत है इतनी कॉफी की तो दे दो ना, जो तूने छुपाया था कल चाय पत्ती वो दे दो और तुम्हारा वो कॉफी मशीन दे देगी। तो वो भी, ये भी जीत पकड़ के बैठा है और वो भी जीत पकड़ के बैठी है। वो बोल रही है कि जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी तब तक मैं मशीन नहीं दूंगी, और वो बोल रहा है कि जब तक मेरी मशीन नहीं मिलेगी मैं बिग बॉस से चाय की डिमांड नहीं करूंगा, चाय पत्ती की डिमांड नहीं करूंगा। तो ये तो दोनों का अपना ईगो ही चल रहा है। देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है और क्या ही होता है। बट हाँ, ये तो है कि जब से बिग बॉस ने विवियन को टाइम गॉड बनाया है, सारे अटैक क्या बोलते हैं, सारे सोए हुए शेर जग गए हैं बिग बॉस के घर में, एकदम लट्ठम लट्ठा बज रखा है। ऐसे लग रहा है कि सारे एक दूसरे पे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। पहले ये जो चार लोग थे ये चाहत को पे चढ़ते हुए दिखते थे पहले एक दो वीक में, अब चाहत को भी पलटवार करना आ गया है। वो भी हर बात में बोल रही है, पहले चुपचाप रोग आके निकल जाती थी, ये लोग कितना सुनाते थे कितना भी बुली करते थे, बट अभी क्या हुआ है, अभी उसको भी सपोर्ट मिल गया है दो चार लोगों का। पहले उसके मामले में कोई बोलता ही नहीं था, सब लोग उसी को गलत कहते थे। तो होता क्या था कि इसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी, रोने लग जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा हुआ है कि दो चार लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अटैकिंग मूड में आ गई है। जो भी विवियन बात बोल रहे हैं उसको पलट के जवाब दे रही है और पूरा डट के दे रही है। तो अभी गेम देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लोग भी जवाब दे रहे हैं और सामने के पार्टी वाली से भी जवाब आ रही है। तो मतलब लट्ठम लट्ठा बजा हुआ है घर में, मज़ा आ रहा है देखने में। जो इतने दिन से सोया हुआ था लग रहा है कि अब उठ जाएगा, और ऊपर से वाइल्ड कार्ड भी आ गए, उनकी भी एंट्री हो गई, वो भी अपना कलेश पाए हुए हैं घर में। तो बहुत ही मजा आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अपना ओपिनियन मुझे मेरे कमेंट में बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।